नमस्कार, बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू। बैसाखी सिख धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस पर्व को खास तौर पर पंजाब में मनाया जाता है। ये अप्रैल में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध हिंदू त्योहारों में से एक है। वैसे तो पूरे भारत में बैसाखी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन पंजाब में इस पर्व को लेकर एक अलग ही धूम देखने को मिलती है। इस दौरान खेतों में रबी की फसल पक कर लहराती है। किसानों के मन को फसलों को देखकर खुशी मिलती है और वे अपनी खुशी का इजहार बैसाखी के पर्व को मना कर करते हैं। इस पर्व को लेकर मान्यता है कि इस दिन सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथ ही ये त्योहार सिख धर्म के लिए कुछ ऐतिहासिक मूल भी रखता है। ये पर्व हर साल हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रम संवत के प्रथम माह में पड़ता है। इस साल ये पावन पर्व 14 अप्रैल को मनाया जाएगा। सिख धर्म के अनुसार बैसाखी मनाने को लेकर कई ऐतिहासिक कहानियां मौजूद हैं। वहीं इस दिन सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना के लिए सिखों को संगठित किया था। वहीं ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि बैसाखी का उत्सव सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर सिंह की शहादत के साथ शुरू हुआ था। तो अब आप भी जान गए हैं कि आखिर बैसाखी क्यों मनाई जाती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें बोल्ड स्काई के साथ।